एग्जाम्पल आप इस फ्रेम को देखिए, यहाँ पर मैं शेडो एरिया में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वहाँ पर सनलाइट आकर के गिर रहा है। टेक अ लुक एट दिस इंस्टेंस ऑफ द फ्रेम वेयर आई एम पोजीशनड विद द बैकड्रॉप बिहाइंड मी वेयर द सन इज शाइनिंग इल्यूमिनेटिंग द बैकग्राउंड ब्रिलियंटली व्हाइल माय फिगर सीम्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप AI से फ्री में अपने वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो दूसरे लैंग्वेज में या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को हमें ट्रांसलेट करने वाले हैं किसी भी लैंग्वेज में वीरबो ऐप का यूज करके, जो कि आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाता है। सो अगर आपके पास वीरबो ऐप नहीं है देन गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च के ऊपर जाना, एंड सर्च के ऊपर जाके जस्ट आप यहाँ पे वीरबो लिख देना और ये आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि टॉकिंग, फोटो, AI अवतार, उसके बाद AI टूल्स, मी, ऐसा कुछ रहेगा। ओके, तो ये जो AI अवतार है इसकी मदद से कुछ इस तरीके का अवतार वीडियो जो होते हैं ना वो सारे आप बना सकते हो। एंड आपको यहाँ पे AI टूल के ऊपर आ जाना है, क्योंकि AI टूल के ऊपर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे वीडियो ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिखेगा और इसी टूल का यूज करके हम यहाँ पे अपने वीडियो को ट्रांसलेट करने वाले हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके, तो इसे यूज करना काफी ज्यादा सिंपल होगा। जस्ट आपको यहाँ पे AI टूल के ऊपर आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे वीडियो ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करके अपना वीडियो को जस्ट अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ जस्ट एक अपलोड वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपका जो डिवाइस होगा, मतलब आपके डिवाइस में जितना भी वीडियोज होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब जिस वीडियो को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं ये मोदी जी का वीडियो को करना चाहता हूँ तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे सुन पाओगे ये हिंदी में है। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ओके, तो आपने यहाँ पे सुना कि ये जो हमारे वीडियो है वो अभी के टाइम पे हिंदी में है। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे किसी भी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना, सो दैट जो आपका वीडियो हो वो यहाँ पे अपलोड हो जाए। ओके, लाइक आप यहाँ देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है। जब तक अपलोडिंग हो रहा है तब तक आप यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। जैसे कि आपको यहाँ एक ओरिजिनल लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जो आपका वीडियो में बोला जा रहा होगा। ओके, जैसे कि हमारे वीडियो में हिंदी में बोला जा रहा है तो जस्ट हम यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप बुलवाना चाहते हो या फिर ट्रांसलेट करना चाहते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन, बहुत सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, तो इनमें से जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए जस्ट उसे आप सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंग्लिश को मतलब चूज कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे और इवन हमें इंग्लिश ही समझ आता है सिर्फ, तो इंग्लिश को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आपको जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का होगा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मतलब कि इस टाइप का सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ लैंग्वेज को, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपका वीडियो अपलोड ना हो जाए। लाइक 50% के आसपास ही अपलोड हो गया है, थोड़ा सा और अपलोड होना बाकी है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक अपलोड ना हो जाए। सो वीडियो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है एंड आप देख सकते हो ट्रांसलेट का हमें ऑप्शन मिल गया है। अब इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे प्रोसेस में चल जाएगा। और यहाँ पे मतलब सिर्फ वेट करना है, ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत है नहीं, सिर्फ वेट करोगे देन आप देख पाओगे आपका जो वीडियो है उसका ये लैंग्वेज को चेंज कर देगा, मतलब कि ट्रांसलेट कर देगा। ओके, और जो ट्रांसलेट वाला प्रोसेसिंग है वो आपको यहाँ पे मी वाले सेक्शन में दिखता है। लाइक आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है। सो हम यहाँ पे वेट करते हैं और जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन को ओपन करके ही रहना है, आप चाहो तो दूसरा काम वगैरह भी आप इधर कर सकते हो, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग चलती रहेगा। 1-2 मिनट के बाद आप यहाँ पे आना एंड चेक कर लेना कि कितना बचा हुआ है। ओके, या फिर आपका वीडियो ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ है वो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करने के बाद हमारे जो वीडियो है वो ट्रांसलेट होके आ चुका है एंड साथ ही में आपको एक जस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाता है कि वीडियो जनरेटेड सक्सेसफुली, कुछ ऐसा। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि आपका वीडियो ट्रांसलेट हुआ या फिर नहीं हुआ है। ओके, तो ये ट्रांसलेट हो गया है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एंड इसका प्रिव्यू वगैरह देखने के लिए कि कैसा ट्रांसलेट हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करो तो यहाँ पे प्ले होने लगेगा।
the manner in which I was brought up. There was nothing in it that would suggest. And आपने यहाँ पे सुना इसका जो लैंग्वेज है वो जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट टू हो चुका है. ओके, तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो. अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे सेव टू एल्बम का ऑप्शन मिल रहा है. आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके डिवाइस में ये जस्ट सेव हो जाएगा, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो. और साथ ही में आप एक चीज यहाँ नोटिस कर सकते हो, इसमें एक वाटर मार्क आ गया है. जो वाटर मार्क है ना, इसे हटाना काफी आसान है. मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ. आप कोई भी एक वीडियो एडिटिंग ऐप ओपन कर लो, जैसे कि VN हम यूज कर सकते हैं. VN बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है, तो इसे आप ओपन करना, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना. एंड अभी जो आपका वीडियो सेव हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, तो आपका वीडियो यहां पे ऐड हो जाएगा जिसमें कि वाटरमार्क है. ओके, अब यहां पे ना आपको वो वाला वीडियो को ऐड करना है जिसमें वाटरमार्क नहीं था. तो आप यहां लेयर के ऊपर मतलब PIP के ऊपर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना और यहां पे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जो ना ट्रांसलेट था और ना ही उसमें कोई वाटरमार्क था, जैसे कि ये वाला. तो इसे सेलेक्ट कर लिए, मतलब ओरिजिनल वीडियो को सेलेक्ट करना, फिर इसे आप पूरा स्क्रीन में अच्छे से फिल कर लेना. और फिल करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एक आपको मास्क का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे आ जाओ और आप यहाँ रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसका जस्ट साइज को छोटा कर देना जितना वाटरमार्क का साइज होगा और इसे जाके वाटरमार्क के ऊपर रख देना. तो देख सकते हो वाटरमार्क हाइड हो गया. देन ये जो आपने ओरिजिनल वाला वीडियो यहाँ ऐड किया है तो इसमें ओरिजिनल वाला ऑडियो भी होगा, तो उसे आपको म्यूट करना होगा. सो जस्ट आप यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर जाके इसे बिल्कुल जीरो कर देना एंड डन करना, तो आप देख पाओगे आपका ये जो वाटरमार्क है वो भी यहाँ पे हट गया. ठीक है, तो इस तरीके से वाटरमार्क को भी हटा सकते हो. अभी से अपने अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके क्वालिटी वगैरह 4K जैसा भी सही लगे वैसा रख के एक्सपोर्ट कर लेना. ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गया है कैसे ये जो वीरबो एप्लीकेशन है इसका यूज़ करके आप अपना वीडियो को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो. एंड ट्रांसलेट करने के बाद अगर उसमें वाटरमार्क आता है तो उस वाटरमार्क को कैसे रिमूव किया जाता है. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो एंड खुशियां बांटते रहो.